नमस्कार, मैं कुमार संतोष महाविद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी स्टूडेंट छात्रों का संस्कृत साहित्य इस क्लास में हार्दिक स्वागत वंदन और अभिनंदन करता हूँ। जय श्री कृष्ण सभी के लिए। इसलिए छात्राओं, आज का हमारा टॉपिक होगा शुभ नाशक देश। आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित एक प्रमुख पुस्तक शुभ नाशक देश के संदर्भ में हम आपसे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये जानना आवश्यक है कि इस प्रेरणास्पद अद्भुत कृति के रचनाकार कौन है। तो जब प्रेरणा का प्रश्न उठता है कि सुखनासुख देश के लेखक कौन है, रचनाकार कौन है, तो आचार्य बाणभट्ट का नाम बड़े सम्मान और आदर के साथ लिया जाता है। तो सनद रहे, सुखनासुख देश के जो प्रणेता है वो आचार्य बाणभट्ट। अब आप सभी के मन मस्तिष्क में एक विचार गूंज रहा होगा कि आचार्य बाणभट्ट ने किस ग्रंथ को आधार बना करके इस अनुपम कृति की रचना की। तो उसका आधार है गुणांडय की व्रत कथा का शुभ्रस वृत्तांत। गुणांडय की व्रत कथा का शुभ्रस वृत्तांत। अब हम आपको ये जानकारी दे दें, आपका जो सुखनासुख देश है बाणभट्ट की अद्भुत रचना कादंबरी का एक दिव्य अंश है जो बड़ा ही प्रेरणास्पद शीर्षक है सुखनासुख देश। तो कादंबरी एक अद्भुत रचना जो पुरुवार्ध में विवादित है, पूर्वार्ध और प्रचार की रेत से। उसके पूर्वार्ध में आपको मिलता है क्या, ये सुखनासुख देश। अब प्रश्न ये उठता है कि इस प्रकार की अद्भुत प्रतिभा का धनी, जिसको साहित्य जगत में गर्ज सम्राट की पदवी से भी विभूषित किया गया है, वो साहित्य जगत में कब पैदा हुआ। तो इनका समय 7वीं शताब्दी की पूर्वार्ध माना जाता है, यानी आचार्य बाणभट्ट का जो समय है 7वीं शताब्दी के पूर्वार्ध माना जाता है। इसका जो कथानक है, यानी कादंबरी का जो कथानक है वो तीन भागों में विभक्त है। कादंबरी एक कथा ग्रंथ है जो तीन भागों में विभाजित है। इसमें चंद्रापीठ एवं पुंडरीक के तीन जन्मों का वृत्तांत है। चंद्रापीठ जो इस ग्रंथ के नायक है, चंद्रापीठ और पुंडरीक के तीन जन्मों का वृत्तांत आचार्य बाणभट्ट ने अपनी लेखनी से इसमें वर्णित किया है। अब देखें सर कि इस गद्य सम्राट को साहित्य जगत में किन किन पदवियों से विभूषित किया गया। तो तुरंगबाण, इनको तुरंगबाण के नाम से जाना जाता है। और यहां तक कि प्रसिद्ध राघवकार जो जयदेव हैं, उन्होंने तो इनको पंचबाण की उपाधि से भी विभूषित किया। किनको? आचार्य बाणभट्ट को, जो कि गद्य सम्राट के जननायक माने जाते हैं। कौन? आचार्य बाणभट्ट। अब प्रश्न ये उठता है कि इस अद्भुत प्रतिभा की धनी आचार्य बाणभट्ट के द्वारा साहित्य जगत को धरोहर के रूप में क्या कर दिया। तो इनके दो प्रमुख ग्रंथ हैं, नंबर एक कादंबरी, दूसरा हर्षचरित। दो इनके प्रमुख कृति हैं कादंबरी और हर्षचरित। कादंबरी काव्य विधा की दृष्टि से देखें तो एक कथा ग्रंथ है और हर्षचरितम् एक आख्यायिका है। अब ये भी हम आपको क्लियर कर देते हैं, स्पष्ट कर देते हैं कि कथा ग्रंथ क्या होता है और आख्यायिका क्या होता है। कथा ग्रंथ जो पूर्णतः कवि की कल्पना पर आधारित होता है, जबकि आख्यायिका वास्तविक वृत्तांत से संबंधित होती है। कादंबरी में कथा है, कवि की कल्पना पर है, जबकि हर्षचरितम् में राजा हर्ष का संपूर्ण जीवन चरित्र आचार्य बाणभट्ट ने इस कृति में किया। अब प्रश्न उठता है कि कादंबरी के प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं। तो उनका उत्तर मैं आपको दे देता हूं। कादंबरी के प्रमुख पात्र कादंबरी है, जो कि इस ग्रंथ की नायिका है, चंद्रापीड है, वैशंपायन है, महाश्वेता है और प्रधान अमात्य सुखनास है। अब देखिए, अब ये भी प्रश्न उठता है कि इस ग्रंथ में किस रस का परिपाक सर्वाधिक हुआ है। तो इस ग्रंथ का जो प्रमुख रस है वो श्रृंगार है, क्योंकि हम आपको बता दें कादंबरी और चंद्रापीड की प्रणय और परिणय पर ये कथा आधारित है, इसलिए श्रृंगार रस का इसमें सर्व
शब्द प्रमुख रूप से प्रयोग हुआ है। इसमें कादंबरी, अब देखिए सर कादंबरी जो रचना है मूलतः गद्य में है और गद्य को कवियों की कसौटी कहा जाता है कि कोई कितनी भी प्रतिभा का धनी हो लेकिन गद्य में रचना करना पद्य की तुलना में बेहद कठिन होता है। तो देखें गद्य काव्य जीवन, गद्य को काव्य का जीवन कहा जाता है, गद्य काव्य जीवन, गद्य को क्या कहा जाता है काव्य का जीवन कहा जाता है। और अब आपके प्रश्न में आपके मन में ये भी प्रश्न उठ रहा होगा कि गद्य किसे कहते हैं पद्य किसे कहते हैं। वैसे आप पढ़ के आए हैं लेकिन मैं आपको स्पष्ट कर दूं गद्य वह होता है जो छंदहीन रचना होती है उसको साहित्य जगत में गद्य के नाम से जानते हैं जबकि पद्य छंदोबद्ध रचना को पद्य कहा जाता है। तो स्पष्ट हुआ कि छंदहीन जो रचना है उसे गद्य कहेंगे और जिसमें छंदों का प्रयोग हुआ है उसे पद्य कहेंगे। आपका ये सुपना सुदेश है गद्य में है। और देखें साहित्य जगत में एक सूक्ति सुप्रचलित है बाणो उच्छिष्टम जगत सर्वम कि सारा जगत बाणी की झुगल है, दूसरे शब्दों में कि सारा गद्य इस संसार में मान की झुगल माना जाता है। अद्भुत प्रतिभा के धनी है कौन आचार्य मानवट यानी कि इनकी जो लेखनी है सभी क्षेत्रों में चली, ऐसा कोई सा भी क्षेत्र नहीं रहा जहां पर इन्होंने अपनी लेखनी नहीं चलाई, इसलिए इनका जो गद्य है गद्य का गद्य के अनुयायी माना जाते हैं, इसलिए परवर्ती साहित्यकारों के लिए जो गद्य रचनाकार हुए उनकी उनकी तुलना में ये कहें कि वो झुटने मात्र है क्योंकि सबसे पहले प्रयोग तो इन्होंने ही कर दिया उसका, इसलिए सारा संसार मान की झुटल माना जाता है। अब देखें आप पढ़ेंगे आपके पाठ्यक्रम में समृद्ध है सुखना सुपदेश, सुखना सुपदेश एक बहुत ही प्रेरणास्पद प्रसंग है और इसमें जो शिक्षाएं दी गई हैं आशा करता हूं उन शिक्षाओं को आप भी अपने जीवन में ढालेंगे और तद अनुकूल आचरण करेंगे क्योंकि शिक्षा वही सार्थक मानी जाती है इसलिए छात्राओं जैसा सिद्धांत आप पढ़ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप व्यवहार करें तो वही आप सच्चे अर्थों में शिक्षित हैं। अब देखें बाण की शैली का दिग्दर्शन उनका मधुर वाक्य विन्यास है, बाण की शैली बहुत ही अद्भुत है, इतनी मधुर है इतनी मंजुल है कि आप इसको पढ़ते पढ़ते कभी गौरवित महसूस नहीं करेंगे। बहुत ही मधुर वाक्य विन्यास का प्रयोग किया है आचार्य मानभट्ट ने और जब आप इसको पढ़ेंगे तो हमेशा संपूर्ण आनंद की प्राप्ति आपको होगी। अब चर्चा करते हैं सुखना सुपदेश के संदर्भ में कि सुखना सुपदेश में किस समय का वर्णन है जब तारापीठ के पुत्र चंद्रापीठ का युवराज से होने वाला था। यद्यपि राजकुमार चंद्रापीठ संपूर्ण विद्याओं के ज्ञान से युक्त था लेकिन उसको व्यवहारिकता की शिक्षा देने के लिए सांसारिकता की शिक्षा देने के लिए उनके पिता श्री तारापीठ उनको अपने प्रधान अमात्य सुखनास के पास भेजते हैं। तो सुखनास उसकी अवस्था को देख करके तीन चार बिंदुओं पर अपनी राय प्रकट करते हैं। नंबर एक युवा अवस्था के संदर्भ में कि युवा अवस्था का जो अंधकार है कितना भयानक होता है, व्यक्ति को किस प्रकार से अंधकार से युक्त कर देता है, किस प्रकार कुमार की ओर ले जाता है। तो आपको युवा अवस्था में आप भी प्रवेश कर रहे हैं तो आशा करता हूं कि युवा इस शिक्षा को पढ़कर के जब आप संपूर्ण सुखना सुपदेश पढ़ेंगे तो युवा अवस्था के जो दुर्गुण है उनसे आप अपने को पृथक रखेंगे, ये आशा एक उम्मीद मैं आपसे करता हूं। दूसरा लक्ष्मी के चरित्र के संदर्भ में विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं, वो यहां तक कह डालते हैं कि इस संसार में लक्ष्मी जैसा कोई अनार्या दुष्ट अधम प्राणी नहीं है, ना किसी की जरूरत को देखती है ना किसी की मजबूरी को देखती है ना किसी की विधवा को देखती है ना किसी के बच्चे को देखती है और पैर में कांटा का कमर में विचरण करने के कारण लक्ष्मी जी के पैर में कांटा लगा हुआ है इसलिए वो कभी भी स्थायी रूप से किसी के यहाँ पर भी अपने पैर स्थायी रूप से नहीं जमाती है, इसीलिए आचार्य बाण ने सुखनास के मुख से ये कहलाया है कि लक्ष्मी इस संसार में सबसे ज्यादा अनार्य है, यानी कि
अनेक पुरुषों के गमन करने के कारण इसको एक चरित्रहीन स्त्री की पदवी से भी विभूषित किया गया है। अब देखें और राजाओं का आचरण, राजा बनने के उपरांत व्यक्ति में कितने आमचूर परिवर्तन हो जाते हैं, राजा बनने से पूर्व वो क्या क्या प्रतिज्ञा करता है, लेकिन राजा बनने के बाद उसकी स्थिति कैसी हो जाती है, इसका बहुत ही रोचक प्रेरणास्पद ढंग से वर्णन किया है आचार्य बाणभट्ट ने अपनी इस अद्भुत कृति इसमें सुखना सोपदेश। आशा करता हूं आप सभी से छात्राओं से कि सुखना सोपदेश में जो शिक्षाएं दी गई हैं उनको आप अपने जीवन में ढालेंगे और जो दुर्गुण बताए युवावस्था के लक्ष्मी के और शासक बनने के बाद उनसे आप अपने को पृथक रखेंगे। आज की वीडियो में मैं आपको इतनी ही जानकारी दूंगा और आज समूचा जगत COVID-19 नामक वैश्विक महामारी के दौर से गुजर रहा है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, कामना करता हूँ कि शीघ्र ही हमारा राष्ट्र इस महान वैश्विक महामारी से उबरेगा। हम और आप फेस टू फेस रूबरू होंगे, जीवन में इस प्रकार की समस्याएं आती हैं और चली जाएंगी क्योंकि दिन के बाद रात के उपरांत एक नया सवेरा होता है। नई आशा के साथ हमें अपना जीवन आगे बढ़ाना है। मैं कुमार संतोष इन शब्दों के साथ आपसे विदा लेता हूँ। ये जीवन है साहब उलझेंगे नहीं तो सुलझेंगे कैसे और बिखरेंगे नहीं तो निखरेंगे कैसे। ख्वाब भले टूटते रहे हमारे पर हौसला फिर भी जिंदा हो, हौसला हमारा ऐसा हो जहां मुश्किल भी शर्मिंदा हो। जय श्री कृष्णा, जय हिंद।